नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आप अगर स्टूडेंट्स हो और आपका सिंगल लाइफ एंड मैरिड लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 24 से लेके 31 अगस्त तक की, यानी 31 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। इन दिनों ये रीडिंग आप उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट नहीं करेगा, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं टैरो क्या कह रहा है आपके फिनेंशियल, सॉरी आपके हेल्थ के बारे में। पहले देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, इन दिनों आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है, टैरो क्या कह रहा है देख लेते हैं। द डेविल का कार्ड, मुझे लगता है आपका जो हेल्थ है, आप किसी नशे की आदि हो सकते हो, हो सकता है आपका कोई शराब पीने की कोई लत हो सकता है, जुए की, फिर और सेक्स की, और बहुत ज़्यादा काम करने की, बहुत ज़्यादा खाना खाने की। तो इन दिनों आप का एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको अपनी एडिक्शन पर काम करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को कंट्रोल करने की जो नेचर लियो में थोड़ा रहता भी है, तो ये नेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसके कारण आपका हेल्थ खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से करने की जो कोशिश आप में रहती है, इसके कारण हो सकता है आपका हेल्थ थोड़ा ख़राब रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र आपकी हेल्थ पर भी पड़ सकता है। हो सकता है किसी ने आपसे ये कह दिया कि आप तो बहुत स्वस्थ हो, इसका भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये बहुत संख्यक कम लोगों के लिए, ज़्यादा जो है अपना ही परेशानी आपको परेशान कर सकता है। हो सकता है आप जो गुस्से स्वभाव से हर चीज़ को करना चाहते हो, इससे आपका बीपी बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका जो माइग्रेन है वो बढ़ सकता है। इसीलिए अपने जो बैड हैबिट्स है उसको कंट्रोल कीजिएगा और अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो तो अच्छा है। और जो भी चीज़ की प्रति आपका एडिक्शन है, उस एडिक्शन को आपको कम करना पड़ेगा। इन दिनों आपके जो एडिक्शन है, हो सकता है किसी का बहुत चाय पीने का मन करता है, तो ये कुछ भी अगर आप गुटखा खाते हो, पान खाते हो, तो ये एडिक्शन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपका जो हेल्थ है वो सही रह सकता है। अभी देख लेते हैं लियो आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। देख लेते हैं लियो आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो यानी सिंह राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। इन दिनों आपका जो हैबिट्स है, जो बैड हैबिट्स है वो बढ़ सकता है, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपका जो सोर्स है, रिसोर्स है पैसे आने की, वो एक से ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है आप कहीं से, आप जहाँ से आपको पैसा आता है, उस पैसे में आप जो भी काम करते हो और जो पैसा आप सेविंग्स करते हो, इनमें थोड़ा जगलिंग आपको करना पड़े, क्योंकि हो सकता है जहाँ से पैसा आ रहा है और उसी तरह से पैसा खर्चने की भी आपका मानसिकता हो जाए। इन दिनों
आप बहुत ज़्यादा खर्च करने लगोगे। इसीलिए जितना पैसा आएगा उतना ही आप अगर खर्च कर देते हो तो इन दिनों आपको थोड़ा जगलिंग करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेटस को संभालने के लिए आपको जगलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इन दिनों हो सकता है आपको दोनों ही चीज़ प्यारे लगे, पैसा रखना भी चाहोगे और आपको नए नए खरीदारी की भी शौक हो सकता है। तो आपको फिनेंशियल स्टेटस को स्टेबल रखने के लिए जगलिंग करना पड़ सकता है, मतलब आप खर्च भी करना चाहोगे रखना भी चाहोगे। आपका जो थॉट प्रोसेस है ये फिनेंस को संभालने में थोड़ा गड़बड़ करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि आप खर्च भी करना पसंद करोगे और रखना भी चाहोगे। तो दोनों में अगर आप जगलिंग करोगे तो आपको थोड़ी मेंटल परेशानी तो होगा ही। इसीलिए आपको पता है कितना रखना है कितना खर्च करना है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया और पैसा ना रखा, तो आपको सोच समझ के पैसों को खर्च करना चाहिए। पैसों को लेके जगलिंग मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया तो परेशानी आप ही को होगी। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं लियो के, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये फायर साइन के पहले रीडिंग्स में भी यही आया था। एरीज में दिल का मामला, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनका इन दिनों दिल टूट सकता है। उनका किसी के साथ अगर रिश्ता आपका चल रहा है या फिर बहुत दिनों से चल रहा था, तो आपको अपने पढ़ाई अपनी जॉब, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रही हूँ, ये छोटे बच्चे नहीं, जो जॉब भी करते हैं स्टडीज़ भी करते हैं हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, उस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, तो आपको अपना दिल का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप अपने असली मकसद से भटक जाए और आपको दिल की परेशानी हो, जिसका इफ़ेक्ट आपकी स्टडीज़ में आपके जॉब की तैयारी में पड़े। इसलिए अपने दिल को संभाल के रखिए, जितना हो सके कम बोलिए, दोस्त कम बनाइए, रिश्तों से थोड़ी मतलब लव प्यार रिलेशन वाला जो रिश्ता होता है स्टूडेंट लाइफ में हर किसी के साथ होता है, तो उससे थोड़ा खुद को दूर रखने की कोशिश कीजिए। अपना ही फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपको अभी ये करना पड़ेगा, वरना आपका दिल टूट सकता है, आप दुखी या परेशान हो सकते हो, या फिर किसी किसी को छोटी मोटी कोई सर्जरी भी हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा कि कोई छोटी मोटी सर्जरी भी करनी पड़े, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा। ज़्यादातर लोगों को दिल से रिलेटेड कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन आ सकता है, दिल टूट सकता है, दिल टूटने से ही डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आ सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप जहां जॉब कर रहे हो वहां आपका सैलरी का इंक्रीमेंट हो सकता है। बहुत दिनों से अगर आप चाह रहे थे कि आपका सैलरी बढ़ जाए, कुछ नया हो जाए, तो कुछ नया होने की संभावना है। थोड़ी सी ही सही आपको कहीं से पैसा मिलने की चांसेस है, मतलब जो पैसा आप खर्च कर रहे थे, जैसे कि आया था फिनेंशियल स्टेटस लेके आप जगलिंग कर रहे हो, तो कुछ पैसे आने की भी आसार है। थोड़ा सा ही सही लेकिन कुछ पैसा आ सकता है, मतलब आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपका सैलरी बढ़ सकता है और आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है जिसको लेके आप परेशान रह रहे थे वो थोड़ा संभल सकता है। हो सकता है आपको कहीं से नया जॉब की ऑफर मिले, ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको कुछ सैलरी भी ज़्यादा मिले, या फिर आप जहाँ काम कर रहे थे वहीं से आपको इंक्रीमेंट मिलने की भी चांसेस है इन दिनों। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग बिजनेस करते हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपनी बिजनेस में,
जितना काम आप कर रहे थे उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके ही आपको पैसे बनाने पड़ेंगे। अगर आप पैसों के लिए सोच रहे थे कि जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका मेहनत इस बार रंग लाए और पैसा भी मिले, लेकिन फिर भी आपको अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। पैसे और ज़्यादा आए और ज़्यादा कमाने के लिए आपको मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। हो सकता है आपको थोड़ा वक्त लगे अपने बिजनेस को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करने में, आपको थोड़ा वक्त लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तब जाके जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा पैसा हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंसली मेहनत को जारी रखना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सिंगल है उनके लक अचानक से गुड न्यूज़ आ सकता है, आपका लक चमक सकता है। हो सकता है बहुत परिश्रम आपने कर लिया है, आपने बहुत दिनों से जो कुछ होता है किस्मत में 12 महीने में जो 12 तरीके से जो परेशानी है वो सारा परेशानी आपने देखा है, तो अभी हो सकता है आपका सडन कोई चेंजेस आ जाए आपके लाइफ में जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, तो सडन लक चेंजेस हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत दिनों की कोई पुरानी कोई रिश्ता कोई विश आपका पूरा हो सकता है, अब लक हो सकता है आपका साथ दे दे। बहुत दिनों से अगर लक का साथ आपका नहीं दे रहा था, लक आपके साथ नहीं दे रहा था, तो इन दिनों लक आपका साथ दे देगा। जो जिस चीज़ के लिए आप बहुत दिनों से तरस रहे थे हो सकता है वो चीज़ आपको मिल जाए, सडन लक चेंजेस होने की चांसेस है। अभी देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं, द हैंगमैन, जो लोग मैरिड हैं उनका जो मैरिड लाइफ है वो खराब नहीं रहेगा, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक को लगे कि अगर जिस तरह से हमारा रिश्ता चल रहा है उस तरह से ना चल के अगर कहीं दूसरे तरीके से चलाया जाए तो कैसा होगा, इस तरह के सोच आप लोगों में आ सकता है। वरना वैसा कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होगा, जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैरिड लाइफ को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ना कोई परेशानी है ना कोई दुख आएगा, जैसा चल रहा था जिसका भी जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। जिसका अगर कुछ परेशानी था तो उसके साथ ही चलेगा, वो बढ़ेगा नहीं। जिसका नहीं था तो बहुत खुशी की बात है। और कभी कभी आप लोगों में ये थॉट्स आ सकता है कि अगर अपने लाइफ को ऐसे चलाया जाए, अगर ऐसा हो जाता, इस तरह के थॉट्स आएंगे, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और जो भी है जैसा भी है आप लोगों के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, और आप लोग खुद भी समझदार हो किस तरह से रिश्ते को चलाया जाता है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स ही क्या कहना चाहते हैं। 8 of Swords, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग कोई बातों को लेके कुछ कोई रिश्ते कोई बात कोई ऐसा कोई चीज़ होगा जिसको लेके आप 24/7 सोचते रहते हो, या फिर आपका बिजनेस आपका जॉब आपका रिश्ता कुछ भी आपका लव लाइफ कुछ भी, तो उन चीज़ों से खुद को मुक्त करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाओगे, या फिर आपका कोई एडिक्शन जो 24/7 आपके दिमाग में चलता रहता है, किसी से प्यार करने की, शराब पीने की, सेक्स की लत, चाय पीने की, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि 24/7 आपके दिमाग में चलता रहता है, अगर आप चाहो
तो खुशी खुशी उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। ये आपकी मानसिक परेशानी है, आप खुद को ज़बरदस्ती उसमें जकड़ के रख रहे हो। अगर ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप उससे निकलना चाहते हो तो आराम से निकल सकते हो, लेकिन ये आपकी थॉट प्रोसेस है, आपको क्या चाहिए। लेकिन अगर आप कार्ड के अनुसार पूछो तो आपको उसमें इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो सके खुद को उस थॉट प्रोसेस से अलग रखिए, जो होगा समय के साथ वो सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।